दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर के साथ आईएनसी टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर बीबीसी ने विस्तार से प्रकाशित किया है और सवाल उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य में बड़ी जीत के पीछे वोटिंग के आंकड़ों में हेराफेरी है। आरोप के हर पहलू को ठीक से समझने के लिए 3 तारीख पर गौर कीजिएगा, और वो कौन कौन सी 3 तारीख हैं? 20 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुआ और 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि 72 सीटों पर शाम 6 बजे तक 66.63 यानी 66.63% मतदान हुआ है। इसके बाद 21 नवंबर की शाम को फिर से मतदान के आंकड़े जारी करते हुए कहा गया कि 76.35 यानी 76.35% मतदान हुआ है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग के आंकड़े जारी करने के साथ ये भी सूचना दी कि सभी 72 विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र हैं उनके मतदान दल सकुशल अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और संग्रहण केंद्रों में निर्वाचन सामग्री जमा की जा चुकी है। साथ ही सभी 72 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में प्रयुक्त मशीनें स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों एवं चुनाव के उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील है वो की जा चुकी है। मतलब खुद राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 21 नवंबर तक वोटों की गिनती छोड़कर बाकी काम फुल एंड फाइनल हो चुका था। वोटिंग के आंकड़े आ गए थे, वोटिंग कराने वाले घर पहुंच चुके थे, ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में सील हो चुकी थीं, लेकिन पिक्चर का सबसे खास टर्न एंड ट्विस्ट अभी आना बाकी था। वो सामने आया 27 नवंबर को, मतदान के 8 दिन बाद जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर फिर से मतदान के जो नए आंकड़े हैं वो जारी किए गए नए आंकड़े, और इस बार कहा गया कि 72 सीटों पर 76.60 यानी 76.60% मतदान हुआ है। पूरे मामले को एक बार फिर से गौर कीजिएगा, वापस 9 तारीख पर जाइए। 21 नवंबर को जानकारी दी गई कि 76.3% मतदान हुआ, और उससे भी बड़ी जानकारी ये भी थी कि सभी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में सील हो चुकी हैं और मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी सरकारी कर्मचारी अपने घर जा चुके हैं। तो फिर ये 7 दिन बाद आखिर कहां से और कैसे आंकड़े बदल गए? कहने के लिए आंकड़ों में महज 0.25 यानी 0.25% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन 0.25% आंकड़ों ने विधानसभा की कुल 44 सीटों के नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। पूरे मामले पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के छत्तीसगढ़ संयोजक गौतम बंदोपाध्याय का बयान भी गौर करने लायक है, और उन्होंने कहा कि आंकड़ों का इस तरह बदलना और इस हद तक बदलना चुनाव आयोग के कामकाज और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। अगर 7-8 दिन बाद आंकड़े बदलेंगे तो चुनाव आयोग को अपनी कार्य प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में उसके राज में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, न खाता सही न बही, जो बीजेपी कहे वही सही। इस मामले में भी बीजेपी को कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको भी इस मामले में कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है? एक बड़ी चुनावी गड़बड़ी, उसकी आशंका क्या आपको नहीं दिख रही है? आपके जवाब के इंतज़ार में मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह, नमस्कार।